डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लिंक रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन ये वे रिएक्शन है जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रैब साइकिल से जोड़ती है। तो क्रैब साइकिल को ग्लाइकोलाइसिस से जोड़ने का काम जो है वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन के द्वारा होता है। इसी कारण इसको हम लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी। डी कार्बोक्सीलेशन का मतलब है डी का मतलब हटाना, कार्बोक्सीलेशन का मतलब है कार्बन को, यहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिमूव करते हैं। तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या रिमूवल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीलेशन। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहां पर इस रिएक्शन की बात करें तो हमें दिमाग में रहना चाहिए कि ये ग्लाइकोलाइसिस को क्रैब साइकिल से जोड़ने वाली रिएक्शन है, इसलिए हमने इसको लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन कहा। ये जो रिएक्शन है ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में संपन्न होती है। और यहां पर अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों ने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पाइरूविक एसिड का निर्माण हुआ था। पाइरूविक एसिड में तीन कार्बन होते हैं, हम तीन कार्बन का एक मॉलिक्यूल लेते हैं। यहां पर इस पाइरूविक एसिड का ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहां पर इसका डीकार्बोक्सीलेशन करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कर रहे हैं इसलिए इसे ऑक्सीडेटिव कहेंगे। एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है, इस रिएक्शन को नाम देंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन। और यहां पर कोफैक्टर के रूप में टीपीपी, थायमीन, पाइरोफॉस्फेट की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर कोफैक्टर के रूप में लाइपोइक एसिड की आवश्यकता भी पड़ती है। और चूंकि पाइरूविक एसिड का यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डीहाइड्रोजिनेशन भी होता है, यहां पर पाइरूविक एसिड से, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि पाइरूविक एसिड से दो हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेंगे और इन हाइड्रोजन आयन को रिसीव करता है एनएडी आयन, और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एनएडीएच प्लस एच आयन में कन्वर्ट कर देगा। यहां पर पाइरूविक एसिड का डीहाइड्रोजिनेशन होता है, क्योंकि डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो एंजाइम काम आएगा। डीहाइड्रोजिनेज किस पर क्रिया कर रहा है, पाइरूविक एसिड पर, और पाइरूविक एसिड को हम आयोनिक फॉर्म में बोलेंगे पाइरूवेट। तो एंजाइम का नॉमनक्लेचर यदि करें तो हम लोग कहेंगे पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज। तो यहां पर पाइरूविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। और यहां पर यदि हम लोग देखें तो इसमें एक मॉलिक्यूल कोएंजाइम ए का भी आकर ऐड होता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन रिएक्शन कहलाती है। यहां पर बनने वाला जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये वो कंपाउंड है जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रैब साइकिल के साथ जोड़ने का काम करता है। और फ्रेंड्स याद रहे कि क्रैब साइकिल जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट होती है, देख लो से पता लग जाएगा ना।